राधे राधे, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हर वक्त यही दुआ रहती है मैं ठाकुर जी आप पर अपनी कृपा बरसाए रखें, आप खुश खुशहाल रहें, अपने परिवार में व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मीन राशि का मंथली राशिफल। अब तक आपने कुंभ राशि तक का राशिफल देखा है, आज मैं लेकर आई हूँ मीन राशि वालों के लिए क्या विशेष लेकर आ रहा है फरवरी का महीना, क्या खास है उनके लिए, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, कौन से अवसर उनको प्राप्त होंगे व्यापार में, विद्यार्थी वर्ग का कैसा रहेगा मंथली, ये सब कुछ विशेष जानकारी लेकर आपके लिए आई हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पारिवारिक। मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक वातावरण मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव रहेंगे। अब तक जो उनका उनकी लाइफ में संघर्ष रहा था उसमें उनको थोड़ा राहत मिलती नजर आ रही है, पर अभी उनको थोड़ा संघर्ष वाला समय है, वह बिताने की आवश्यकता है, पर उसके लिए उनको अपने अंदर धैर्य, बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, ताकि ये संघर्ष वाले समय में कहीं उनके रिश्तों में या परिवार में कुछ ऐसे तनाव ना बन जाएं कि उनको आगे चलकर अकेलापन महसूस हो। तो यही मैं कहूँगी, अपने अंदर थोड़ा धैर्य रखिए, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, और ये जो समय है ये भी आपका निकल जाएगा ठाकुर जी की कृपा से। बस आपको थोड़ा सोच समझकर हर निर्णय को लेने की आवश्यकता है, बाकी ऐसी कोई गंभीर परेशानी वाली समस्या नहीं नजर आ रही, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है वह भी आपका टल जाएगा। जीवन साथी के साथ आपके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ना बनने की वजह से नोकझोंक बन सकती है, कुछ ऐसे दूरी आ सकती हैं, पर मंथ की लास्ट में होते होते आपके रिश्तों में जो खटास आ चुकी है या जो मनमुटाव आ चुका है उसमें आपको राहत मिलती नजर आ रही है, वह दूरियां आपकी कम होंगी और रिश्तों में मिठास आएगी। व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा? व्यवसायिक जीवन में भी आपको थोड़ा बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है, पर मंथ के मध्य के बाद आपको उसमें भी राहत मिलती नजर आ रही है, आपको कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको आगे चलकर पदोन्नति के योग बन रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं आपके आपके मित्र की सहायता से या किसी सहयोगी की सहायता से आपको आगे लाभ के योग बन रहे हैं नौकरी में ही। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो किसी मित्र की सहायता से या व्यापारी सहयोग की किसी संगठन की सहायता से आपको व्यापार में बढ़ोतरी के भी योग बन रहे हैं। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और माता पिता के आशीर्वाद से भी आपको, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, क्योंकि आप तनाव में ज़्यादा होने की वजह से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे। माता पिता से ज़्यादा आपको इस समय समझने वाला कोई रिश्ता नहीं है, अपने माता पिता के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, अपने मन की बात कहिए, कोई ना कोई रास्ता आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपको इस समय अकेलापन महसूस हो रहा है या तनाव में जा रहे हैं तो अपनी बात दूसरों के साथ शेयर करना अवश्य कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यही मेरी सलाह है आपसे। कुल मिला के ये समय जो है, ये मंथ आपके लिए मिला जुला फल लेकर आ रहा है। संतान की तरफ से भी आपको खुश सुखद समाचार मिल सकते हैं, आपकी संतान भी आपका सहयोग देगी, आपकी सहायता करेगी, और इस तरह अगर आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं तो आपका यह समय आपके अनुकूल हो सकता है और आपकी परेशानियों से आपको निजात मिल सकती है। क्या करना चाहिए मीन राशि वालों को? आपको बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान देना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो विष्णु सहस्रनाम का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप का कंटिन्यू आपको पाठ करते रहना चाहिए, और पीले रंग का रुमाल या लाल रंग का रुमाल अगर आप अपने पास रखते हैं तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था मीन राशि वालों का मंथली राशि फल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे आज्ञा लेती है। राधे राधे।